हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं समीर जसूजा प्रॉप एक्विटी चैनल और मैं वैशाली। मैं 16 सालों से प्रॉप एक्विटी में डेटा एंड एनालिटिक्स के एरिया में काम कर रही हूं और जानती हूं कि घर खरीदना अक्सर एक इमोशनल जर्नी होती है और बाकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स और कन्फ्यूजिंग होता है। इसी डिसीजन को आसान बनाने के लिए प्रॉप एक्विटी के इस चैनल पे हम आपके लिए सही और पूरी जानकारी लाते हैं। हमारे लोकेलिटी सीरीज में हर हफ्ते हम टॉप लोकेलिटीज पे डिटेल्स शेयर करते हैं जो इन्वेस्टमेंट और रिहाइश दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट होती है। ये लोकेलिटीज 20 क्रिटिकल पैरामीटर्स को एनालाइज करके शॉर्टलिस्ट की जाती हैं। चलिए गेम खेलते हैं। आज की लोकेलिटी आप गेस करिए। ये एक ऐसी जगह है जहां जमीन पे सितारे और आसमान पे सपने दिखाई देते हैं। जी हाँ, इस हफ्ते अंधेरी वेस्ट का मार्केट चुना है जो मुंबई का प्राइम रेसिडेंशियल एरिया है। अंधेरी वेस्ट मुंबई वेस्टर्न सबर्ब्स का पॉश एरिया है जो अपस्केल रेसिडेंशियल डेवलपमेंट्स, एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशनल ऑप्शंस के लिए मशहूर है। हिस्टोरिकली 1900 में यहाँ अर्बनाइजेशन शुरू हुआ था। 1930 से 1980 तक यहाँ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया, जिस दौरान यहाँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत प्रोमिनेंट फिल्म स्टूडियोज बनाए गए। यहाँ बड़ी और रिनाउंड एंटरटेनमेंट कंपनीज हैं जैसे यशराज फिल्म्स एंड बालाजी टेलीफिल्म्स। ये एरिया फिल्म उद्योग के लिए तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बॉलीवुड से जुड़े प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस, आर्ट डायरेक्टर्स सब इसी एरिया के आसपास रहना भी पसंद करते हैं। कनेक्टिविटी इस मार्केट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये चारों डायरेक्शन से वेल कनेक्टेड है। जैसे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और एसवी रोड इसे नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी देते हैं और जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड एंड जेपी रोड इस एरिया को ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी देते हैं। मुंबई के पॉइंट ऑफ व्यू से खासियत इस एरिया की ये है कि मुंबई एयरपोर्ट से ये सिर्फ 20 से 30 मिनट की दूरी पे है। अब आते हैं यहाँ के कमर्शियल डेवलपमेंट पे। बीजे कंपनी वो पहली कंपनी है जिसने 1997 में द मौर्या हाउस में अपना ऑफिस बनाया था। उसके बाद द लोटस बिजनेस पार्क बनाया गया 2008 में, जो 2,31,000 स्क्वायर फुट के एरिया पे बनाया गया। अब यहाँ लगभग 70 कमर्शियल सेंटर्स देखे जा सकते हैं, जैसे लोटस लिंक स्क्वायर, लोटस ग्रैंडियर, नेस्को आईटी पार्क, लोटस बिजनेस पार्क और निलॉन नॉलेज पार्क, और करीब 85,000 लोग यहाँ काम करने भी आते हैं। रिटेल ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ काफी मॉल्स हैं, जैसे के रहेजा रियल्टी, सिटी मॉल बाय अजमेरा रियल्टी एंड फन रिपब्लिक बाय ई सिटी, जो यहाँ के शॉपिंग और एंटरटेनमेंट अपील को बढ़ावा देते हैं। लोखंडवाला भी एक और पॉपुलर रिटेल सेंटर है इसी जगह का। अंधेरी वेस्ट का हाईलाइट है यहाँ का वर्सोवा बीच, और थोड़ी ही दूर पे महाकाली केव्स भी हैं, और ये दोनों ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। यहाँ पे मशहूर कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल एंड बेलव्यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो रेसिडेंट्स के हेल्थ केयर के नीड्स को केटर करते हैं। अंधेरी वेस्ट में कई जाने माने स्कूल्स भी हैं, जैसे जानकी देवी पब्लिक स्कूल, रिम्स इंटरनेशनल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, सेंट मैरीज हाई स्कूल एंड सीपी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल। अब आते हैं अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे। यहाँ मेट्रो की लाइन 6 जो पिंक लाइन है वो 2026 में कंप्लीट हो जाएगी। ये लोखंडवाला को JVLR सीप्स कंजूर मार्ग से जोड़ती है। एक और लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है मुंबई कोस्टल रोड, जिसका फेज 1 इसी साल कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है। ये 29.8 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर साउथ बॉम्बे को कांडिवली से जोड़ेगा। अब आते हैं सप्लाई डिमांड डायनामिक्स पे, जो किसी भी एरिया की ग्रोथ पोटेंशियल दर्शाता है। पोस्ट कोविड अंधेरी वेस्ट की सप्लाई ट्रेंड्स में बढ़ोतरी देखी गई थी। नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे। लॉन्चेस के आधार पे यहाँ पे 115% तक की इंक्रीज देखी गई है। अगर सप्लाई की बात करें, यहाँ कोविड से पहले यानी 2017-2019 के दौरान 2,368 यूनिट्स लॉन्च हुई थी, जबकि 2021-2023 के बीच 4,260 यूनिट्स लॉन्च हुई। इसका मतलब है कि 80% इंक्रीज हुई है न्यू लॉन्चेस की सप्लाई में। मैं अपने कैपिटल गेन से अंधेरी वेस्ट में एक प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहता हूँ। मेरा बजट 3 से 3.5 करोड़ है, सो प्लीज कुछ अच्छे प्रोजेक्ट सजेस्ट करें। थैंक यू मिस्टर महापात्रा। आपके बजट के हिसाब से हम आपको अंधेरी वेस्ट में 2 BHK रेकमेंड करते हैं। इस कैटेगरी में टोटल प्रोजेक्ट्स देखें तो 56 हैं और प्राइस रेंज है 3-4 करोड़ की।
इसमें हमारी पहली रिकमेंडेशन है अदानी रियल्टी का प्रोजेक्ट लिंक में रेसिडेंसेस फेज वन, जहां पे यूनिट साइजेस देखें तो 782 टू 1060 स्क्वायर फुट की यूनिट्स है और प्राइस है 39,500 रुपीज पर स्क्वायर फुट की, और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर 2028 में। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन है हीरा नंदानी डेवलपर्स का विस्ता रेसिडेंसेस, जहां यूनिट साइजेस हैं 766 टू 900 स्क्वायर फीट की और इनकी प्राइस है 40,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट। हमारी लास्ट रिकमेंडेशन है रुनवाल ग्रुप का प्रोजेक्ट जिसका नाम है रेयर, इनकी यूनिट साइजेस यहां पे है 797 स्क्वायर फुट की और इसकी प्राइस है 42,300 रुपीज पर स्क्वायर फुट की और ये जून 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस लोकेलिटी में निवेश करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें propequity.in पर लिख सकते हैं। हमारे पास 150,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन है 44 सिटीज में है जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अब समराइज करते हुए, अंधेरी वेस्ट एक ट्रेडिशनल लोकेलिटी है जहाँ हर तरीके की सुविधा शॉर्ट डिस्टेंसेस पे मिलती है, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड रिटेल। इसके अलावा इसका फिल्म स्टूडियो हब एंड मुंबई एयरपोर्ट से प्रॉक्सिमिटी इसको बहुत अच्छा मार्केट बनाता है। इस एरिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसकी स्मूथ एंड सीमलेस कनेक्टिविटी, जो चारों दिशाओं से बहुत अच्छे से कनेक्ट करती है इस मार्केट को। इफ यू लाइक आवर वीडियोस, वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो वी कैन कीप ब्रिंगिंग यू सच वेल रिसर्च्ड एंड ऑथेंटिक कॉन्टेंट। थैंक यू एंड गुड बाय।